we are going to begin our class for english 7 if you are with us please uh, let us know that you are here <laughs> students who are here please let us know so that we can Link and I hope you will be able to join us. For all the other students who are not here, the class has started. Please join us here. I have sent you the link. Okay, Ji Bilal Khan is with us. I hope the rest of the students would also join. And uh, in only 30 seconds, we will begin formal reading of the class because I have sent them the link. Please let us know that you are with us so that we can begin the class formally. If you can see the screen, everything is visible to you. Please let me know if the voice is clear. Class, you can send me a message. Please send the message on the live stream on the YouTube. Do not send it on WhatsApp because I may not be able to check the messages on WhatsApp. So, okay, Itisham Khan is also online. I hope I read your name properly. Okay, Aifa Khan is also here. Very good. आप लोग आपस में फ्रेंड्स में एक दफ़ा लिंक शेयर कर लें मैंने मैंने वैसे मैंने सबको भेजा है पूरे ग्रुप को होपफुली सब क्लास सेवन के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा लेट्स बिगिन रीडिंग अल जजारी क्या आता है आपके जहन में बाई रीडिंग द टाइटल ऑफ दिस लेसन वट डू यू अंडरस्टैंड अल जजारी किस चीज़ के बारे में होगा मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा गेस कर चुके होंगे कि जिस तरह अलकुंदी है आर कैमेडीज है तो इसी तरह अलज़ारी भी शायद किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम हो ठीक है सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट अलजारी वॉज अ ग्रेट मुस्लिम इंजीनियर साइंटिस्ट मैथेमेटिशन एंड इनवेंटर अलज़ारी एक अजीम मुसलमान इंजीनियर साइंसदान और मैथमेटिशियन थे मैथमेटिशियन होता है हिसाबदान ठीक है जो मैथ्स के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मैथमेटिशियंस कहते हैं इन्वेंटर मोजिद इन्वेंटर होता है मोजिद इजाद करने वाला ही वॉज बॉन्ड इन वन वन थ्री सिक्स सी ई वो 1136 थर्टी सिक्स में पैदा हुए थे यानी आज से तकरीबन अभी ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन शुरू हो गया बल्कि तो आज से तकरीबन नौ साल साढ़े आठ नौ साल पहले की बात है साढ़े आठ नौ सौ साल ठीक है साढ़े आठ या नौ सौ साल साढ़े आठ सौ साल या नौ सौ साल तकरीबन पुरानी बात है ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन ए बकर टर्की अलज़ीराज़ीरा अल जो जगह है वो मशहूर हो गया है ख़िता अलज़ीरा टेलीविजन की वजह से भी और आपने ज़रूर सुना होगा ए बकर टर्की में एक जगह है कैपिटल डी से इसका नाम लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रॉपर नाउन जगह का नाम है वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी ही वॉज़ कॉल्ड अलजारी बिकॉज़ ही बिलोंग टू अलज़ीराजज़ी के होने की वजह से उनका नाम अलज़ारी पड़ गया था या आम तौर पर मुसलमान साइंसदानों की या मुसलमानों की जनरली एक तरीका था कि वो नाम के साथ अपने इलाके का नाम लगा लेते थे उसकी वजह से वो नाम उनकी पहचान बन जाता था इलाके का नाम उनकी पहचान बन जाता था जजारी गॉट हिज़ अर्ली एजुकेशन इन दियाार बकर जजारी ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी जो शुरू की तालीम थी वो दियाार बकर -e में हासिल की लेटर ही रिसीव्ड टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम हिज़ फ़ादर हु वर्कड एज चीफ़ इंजीनियर इन द स सुल्तानस बाद में उन्होंने अपनी टेक्निकल एजुकेशन यानी फ़नी तालीम अपने फ़ादर से हासिल की जो कि ख़ुद भी चीफ़ इंजीनियर थे इन सुल्तान कोर्ट सुल्तान के कोर्ट में टेक्निकल एजुकेशन फनी तालीम और चीफ इंजीनियर का मतलब है सबसे बड़े इंजीनियर सुल्तान कोर्ट कोर्ट कहते हैं बेटा दरबार को ठीक है कोर्ट दरबार असल में कोर्ट का मतलब दरबार है अब कोर्ट के माने अदालत के आ जाते हैं लेकिन पहले सुल्तान कोर्ट का मतलब है बादशाह का दरबार तो उनके वालिद जो थे उनकी भी एक आम, अच्छी इज़्ज़तदार पोजीशन थी बादशाह के दरबार में अलज़ारी वॉज अपॉइंटेड टू द सेम पोस्ट आफ्टर हिज फादर्स डेथ अलज़ारी अपने वालिद की वफात के बाद आम, उसी पोस्ट पर पोस्ट का मतलब यहाँ पर ओहदे पर ठीक है अपॉइंटेड का मतलब है नामज़द किया गया या उनके लिए उनको उस पोस्ट पर चुना गया अपॉइंट किया गया और पोस्ट का मतलब है ओहदा पोस्ट के बहुत से माने होते हैं लकड़ी के डंडे को भी पोस्ट कहते हैं जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पोस्ट बट हियर द वर्ड पोस्ट मीन्स ओहदा ओहदा कोई पोजीशन ठीक है अलजारीज़ वर्थ कैन बी जज फ्राम द टाइटल्स बी अपॉन हिम अलजारी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनको जो अलकबात दिए गए थे अब इस लाइन में काफ़ी से मुश्किल लफ्ज़ हैं वो आपके लिए मैं एक एक करके बताती हूँ वर्थ का मतलब होता है वैसे लफ्ज़ी मतलब है कीमत लेकिन जब हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करें तो हम अहमियत उसका तर्जुमा करेंगे वाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस लैंड व्हाट इज़ दर्थ ऑफ दिस गोल्ड कोइंस दिज़ गोल्ड कोइंस ठीक है तो वर्थ का लफजी मतलब है कीमत लेकिन हम यहाँ पर अहमियत uh, उसका तर्जु करेंगे क्योंकि इंसानों की कीमत लगाना कुछ मुनासिब लफ्ज़ मालूम नहीं होता जज्ड जज्ड का मतलब है अंदाज़ा लगाना टाइटल्स अलकाबात ठीक है टाइटल्स हैं लकब किसी की किसी ख़ास खिदमत के सिले में किसी ख़ास इल्म के सिले में जो अलकब दिए जाते हैं उनको टाइटल्स कहते हैं बिस्टोर्ड अता किया गया बिस्टोड का मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ देना ठीक है बिस्टोड हमेशा जैसे अल्लाह बिस्टोड मी विद मैनी ब्लेसिंग्स अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतें अता की ठीक है या अल्लाह बिस्टोड हिम विद अ डॉटर विद अ सन विद चिल्ड्रन अल्लाह ने उसे बच्चे अता किए कोई नेमत कोई अल्लाह की खास आ, या किसी बड़े की अल्लाह के अलावा लोगों के लिए भी इस्तेमाल है जैसे लकब अता किए ठीक टाइटल्स अलकाबात वन ऑफ़ हिस टाइटल्स वॉज रईस अमाल रईस कहते हैं बड़े को अमाल कहते हैं इंजीनियर को तो उनके अलज़ारी की को एक लकब जो दिया गया था वो था सबसे बड़े इंजीनियर जिसका मतलब था चीफ़ इंजीनियर बेसिकली इंग्लिश में जब हम कहते हैं चीफ़ तो चीफ़ का मतलब होता है सबसे बड़े और इंजीनियर तो आपको मालूम ही है तो अमाल चीफ इंजीनियर टाइटल बदिय जमान मीन्स द लेजेंड लेजेंडरी पर्सनैलिटी ऑफ हिस टाइम जमान का क्या मतलब है बदिय जमान का मतलब है अपने वक्त की ऐसी शख्सियत जिसका कोई मिसल ना हो जिसकी कोई सानी ना हो जिसका तो बदी उस जबान की इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने बताई हुई है द लेजेंडरी पर्सनालिटी ऑफ हिस टाइम लेजेंडरी पर्सनालिटी होती है एक बहुत अजीम शख्सियत एक बहुत जिसकी जिसको बहुत उस ज़माने का हीरो माना जाता हो ठीक है हिज थर्ड टाइटल वॉज शेख विच मीन्स द एल्डर शोज दैट ही वॉज हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट तीसरा लकब उन्हें क्या मिला था अल शेख जिसका मतलब है द एल्डर बड़े बुज़ुर्ग शेख का मतलब वैसे भी बुज़ुर्ग है बड़े हैं अभी भी शेख लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में और या शेख या शेख कह के वो बड़े बुज़ुर्गों को बुलाते हैं इज्जत का लकब है तो उनका लकब ही शेख था और इससे ये पता चलता है कि ही वॉज हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट कि उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत थी आ, अपने सुल्तान के दरबार में बच्चों दिस इज दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड आगे भी हम पढ़ते हैं पहले ज़रा इसके मुश्किल लफ्ज़ मैं रिपीट कर देती हूँ लिख लीजिए और मेरे साथ बेटा उनको दोहराइए भी खाली लिखना मीनिंग अहम नहीं है आपको उनको बोलना भी आना चाहिए द प्रोनंसिएशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट देखिए बेटा आई ऑलवेज टेल यू दैट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट एज अ लैंग्वेज देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल लैंग्वेज का मकसद ही बोलना होता है लिखना उसका सेकेंडरी पर्पस है असल मकसद बोलना है तो यू आर एन इंटेलिजेंट क्लास आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेवेंथ क्लास बोथ द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑल ऑफ देम आर क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड आई एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश राइट वर्ड्स जब मैं बोलूँ तो उनको रिपीट कीजिए ताकि आपको उनका सही लहजा सही प्रोनासीशन आ जाए बाद में इस्तेमाल करें या ना करें वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं लेकिन आपको उनका सही इस्तेमाल आना ज़रूर चाहिए ओके द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ द डिफ़िकल्ट वर्ड मैथेमेटिशन हिसाब दान इन्वेंटर मोजिद बिलोंग्ड टू अलजीरा बिलोंग्ड का मतलब होता है उनसे ताल्लुक होना जैसे ऑल ऑफ़ यू बिलोंग टू पाकिस्तान ऑल ऑफ़ यू बिलोंग टू केपी के यहाँ के रहने वाले हैं ठीक है अच्छा जी फिर उसके बाद है टेक्निकल एजुकेशन फ़नी तालीम उसके बाद है जी अपॉइंटेड uh, अपॉइंटेड का मतलब है uh, उहदा देना नामजद करना किसी चीज़ के लिए नामजद करना किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट करना उनके हवाले करना कोई काम ठीक है सुल्तान कोर्ट, बादशाह का दरबार पोस्ट उहदा वर्थ अहमियत जज्ड अंदाजा लगाना टाइटल्स अलकाबात बिस्टोड बिस्टोड है अता करना रईस अमाल आपको बता दिया कि चीफ इंजीनियर यानी सबसे बड़े इंजीनियर जमान ऐसा शख्स जो अपने जमाने में जिसका सानी ना हो अल शेख अलख बुड़, बुजुर्ग बूढ़ा पर्सनैलिटी शख्सियत हाई रिस्पेक्ट ऊंची इज्जत अलजारी एंड मकैनिकल इंजीनियरिंग अलजारी डिड अलॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ मकैनिक्स अलजारी ने मकैनिक्स uh, की फ़ील्ड में बहुत काम किया बच्चों आप लोग साथ साथ अगर मैसेज करते रहोगे तो मुझे अंदाज़ा होता रहेगा कि आपको सही समझ आ रहा है स्क्रीन भी नज़र आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ वी आर गोइंग टू फास्ट यू कैन टेल मी कि हम आहिस्ता हो जाएं एंड प्लीज़ डू मी आर फेवर आपके जो फ्रेंड्स अभी ऑनलाइन नहीं हैं मतलब ऑनलाइन सिमरात के हैव नॉट जॉइन द क्लास सेंड अ मैसेज उनको एक मैसेज भेज दें उन्होंने कहें कि वो क्लास में आ जाएं ताकि सारे सब यहाँ पर पूरे हो जाएं अलज़ारी एंड मकैनिकल इंजीनियरिंग मकैनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है ये चीज़ें आपको अभी से पता होनी चाहिए बिकॉज यू आर सोन गोइंग टू सेलेक्ट अ करियर फॉर यू इनशाला mechanical engineering is different from electrical engineering and civil engineering and um, maybe computer engineering ticket okay? मशीन्स से रिलेटेड जब आ, कोई माहिर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के ज़रिए कोई बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं सिंपल मशीन्स आपने पढ़ी हुई हैं लीवर व्हील वेज ये सब जितनी भी सिंपल मशीन्स आपने पढ़ी हैं ठीक है इन सब की मदद से जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो मकैनिकल इंजीनियरिंग कहलाती है ये सिविल इंजीनियरिंग से फ़र्क है सिविल इंजीनियरिंग में आप रोड्स बनाते हैं पुल बनाते हैं डैम बनाते हैं सड़कें बनाती हैं ये सब चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग उससे फ़र्क है क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्लाजास बनाने होते हैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी होती हैं हाउस के डिज़ाइंस बनाने होते हैं इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल फ़र्क फील्ड है उसमें आप बिजली के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं बड़े बड़े पावर हाउसेस बनाते हैं उनकी ट्रांसमिशन करते हैं ठीक है तो मकैनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में ख़ास तौर पर मकैनिक्स में मशीन्स के साथ अलज़ारी ने बहुत काम किया ऑनिस एडमिटेड इन हिज बुक दैट ही हैड बेनि फ्राम दर्कस ऑफ द ग्रीक फिलासफर आर कैमेडीज एंड मैनी वेस्टर्न इन्वेंटर्स सच एज हो एंड फिलो उन्होंने खुद भी अपने बुक में बड़े ऑनेस्टली माना है कि वो उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया था कुछ ग्रीक फिलासफर्स की कामों से मिसाल के तौर पर आर कैमेडीज ग्रीक फिलोसफर्स का मतलब है यूनानी फ़लसफ़ी ग्रीक यूनान को कहते हैं यूनान अभी भी दुनिया में एक मुल्क है लेकिन अब यूनान बहुत छोटा है जो असल में जिसको हम ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं ना वो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी बहुत बड़े इलाके पे फैला हुआ था और बहुत उसकी एजुकेशन की फ़ील्ड में भी उनके बहुत सारी अहम खसूस अहम उनकी खिदमत हैं तो आर को उर्दू में आमतौर पे कहा जाता है अरशमीदस और मैनी अदर वेस्टर्न इन्वेंटर्स सच एज़ हीरो एंड फिलो हीरो और फिलो ये दोनों वेस्टर्न इन्वेंटर्स हैं यानी मग़रब के कुछ साइंसदान हैं तो तोज़ारी ने ख़ुद भी अपनी बुक्स में माना है कि मैंने इनसे बहुत फ़ायदा उठाया है देखो बेटा साइंस का काम यूँ नहीं होता कि एक ही दिन एक शख्स ने सब कुछ बना लिया बल्कि हमेशा रिसर्च इसी तरह होती है कि कुछ लोग आधा काम करते हैं या एक काम करते हैं कुछ लोग आए पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया फिर आता इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पर मशीनें ईजाद हुई फिर उन मशीनों में आगे सोफिस्टिकेटेड होते गए होते गए तो इस तरह ये होता है कि पहले आने वाले साइंसदानों के काम से बाद में आने वाले साइंसदान फ़ायदा उठाते हैं बेनिफिटेड का मतलब है फ़ायदा उठाना ग्रीक फिलोसोफर बता दिया आपको यूनानी फलसफी आरश आर इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में इसको अरशमीदस कहते हैं उस दिन भी आपको क्लास में मैंने बताया था कि कुछ आ, नाम ऐसे हैं जो कि उर्दू में तब्दील हो जाते हैं जैसे अलेक्जेंडर से मैंने आपको बताया था सिकंदर हम इसी तरह आर से अरशमीदस अच्छा जी अब नेक्स्ट उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था डोंकी पम्प डोंकी पंप क्या है द डोंकी पंप इज अ मकैनिकल डिवाइस सक्शन डोंकी पंप एक मशीन है एक मकैनिकल आला है एक मशीनी आला है जो कि पानी को सक करके यानी सक्शन होता है पानी को खींच कर हटाना पानी को खींच कर उस जगह को खाली करना तो उसके असूल पर काम करता है इट इज़ कॉल्ड द डोंकी पम्प बिकॉज इट वर्कस कंटिन्यूसली लाइक अ डोंकी ऑल डे लॉन्ग विदाउट स्टॉपिंग उसको डोंकी पम्प कहते हैं क्योंकि वो सारा दिन मुसलसल काम करता है एक डोंकी की तरह और बीच में रुकता नहीं है ठीक है इट इज़ कॉल्ड द डोंकी पंप इसी वजह से उसको डोंकी पम्प कहते हैं कि वो सारा दिन काम करता है कंटीन्यूसली लाइक अ डोंकी ऑल डे लॉन्ग विदाउट स्टॉपिंग अलजारी वॉज द फर्स्ट टू मेक यूज़ ऑफ़ हाइड्रोलिक पावर एंड ऑपरेटेड वेरियस मशीन्स विद इट तीसरा काम जो अलज़ारी ने ख़ास किया वो ये था कि हाइड्रोलिक पावर हाइड्रोलिक पावर कहते हैं हाइड्रा लफ्ज़ जहाँ भी आए उससे मुराद होता है पानी ठीक है पानी की ताकत पानी से रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड जब भी लफ्ज़ हाइड्रा आता है तो उसका मतलब हाइड्रोलिक पानी से बनने वाली बिजली पानी से चलने वाली गाड़ियाँ पानी से चलने वाली कोई मिल्स हैं उन सब के साथ हाइड्रॉल आता है तो हाइड्रोलिक पावर का मतलब है कि पानी के फ्लो की ताकत को पानी के बहने की ताकत को ये जैसे तरबेला डैम में भी आपको मालूम होगा कि हाइड्रोलिक पावर के ज़रिए बिजली बनाई जाती है पानी की ताकत इस्तेमाल की जाती है और पानी का तेज़ फ्लो जो है उसकी मदद से टरबाइन चलते हैं और फिर उनसे बिजली बनती है तो ये जो था ये अलज़ारी ने बहुत सारी मशीनों में पहली दफ़ा उन्होंने बताया था बच्चों अगर आप मैसेजेस करते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि क्लास चल रही है क्योंकि क्लास के दौरान मैं चेक नहीं कर सकती कि क्लास आपकी सही तरह हो रही है कि नहीं अगर आप मुझे यूट्यूब पर ही मैसेज कर दें जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं कि आप लोगों को सही क्लास की आ, रिसीव हो रही है आपको आवाज़ भी सही आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है तो इससे मुझे हेल्प हो जाएगी ठीक है बिफोर अलजारी मैनी अदर इन्वेंटर्स हैड वर्कड ऑन पम्प्स अलजारी से पहले बहुत सारे और इन्वेंटर्स जो थे मौजिद जो थे उन्होंने पम्प्स पर काम किया था बट अलजारीज़ मशीन वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट वेल डिज़ाइंड ओके बेटा आप ऑनलाइन हैं ठीक है एक बच्चे ने मुझे बता दिया कि आप ऑनलाइन हैं और आपको क्लास से ही रिसीव हो रही है ठीक है थैंक यू बेटा बिफोर अलज़ारी मैनी अदर इन्वेंटर्स हैड वर्कड ऑन पम्प्स अलजारी से पहले भी बहुत सारे साइंसदानों ने पम्प्स ऊपर काम किया था बट अल द बेस्ट एंड द मोस्ट वेल डिज़ाइंड लेकिन अल ज़ज़ारी की सबसे बेहतरीन थी और सबसे बेहतर उनका खाका बना हुआ था डिजाइन का मतलब है उनका खाका उनका उनका बेसिक स्ट्रक्चर दिस पंपिंग मशीन कंसिस्टेड फाइव मिनी mini machines टुक वाटर टू द the overhead टैंक फ्रॉम द रिवर्स और wells. ये जो पंपिंग मशीन थी इसकी अंदर पांच छोटी छोटी मशीन्स थी जो कि पानी को लेकर ऊपर ऊपर मतलब ऊंचाई पर ओवरहेड टैंक का मतलब है इंसान के सर, सर से ऊंचा इतनी कम से कम ऊंचाई हो चाहे वो बिल्डिंग की ऊंचाई हो चाहे वो दो बिल्डिंग्स तीन बिल्डिंग्स की ऊंचाई हो बहरहाल इंसान के सर से ऊंचा ओवरहेड टैंक फ्रॉम द रिवर और वेल्स वेल कहते हैं कुएं को तो दरिया से या कुएं से पानी को ऊंचे टैंक तक पहुंचाती थी और ये पांच छोटी छोटी मशीन्स पर मुश्तमिल था लेटर जी आयफ़ा खान शी इज़ ऑल्सो ऑनलाइन एंड शी सेज़ दैट शी हैज़ अंडरस्टूड एवरी थिंग थैंक यू बेटा लेटर ट्यूब वेल्स एंड डंकी पम्प्स वर इन्वेंटेड ऑन द पैटर्न ऑफ दिस पम्प इसके बाद क्या हुआ देखें जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक ही दिन में सारी चीज़ें इजाद नहीं होती उन्होंने पांच छोटी छोटी मशीन्स को जोड़ के एक वाटर पम्प बनाया फिर उनके ही वाटर पम्प के ऊपर काम करके और लोगों ने ट्यूब बनाए और डंकी पम्प्स बनाए और उसको मज़ीद रिफ़ाइन करते गए इसके बाद जो एक बड़ा अहम इन्वेंशन अल जजारी की थी दैट वाज एलिफेंट क्लॉक व्हाट इज एलिफेंट क्लॉक एलिफेंट क्लॉक वाज अ ह्यूज क्लॉक व्हिच रिफ्लेक्ट्स द हाइट ऑफ अल अलजारीज़ एक्सपर्टीज़ इन मकैनिक्स नाउ दिस वाज अ ह्यूज क्लॉक उससे तो आपको समझ आ रही है कि एक बहुत बड़ी क्लॉक थी अच्छा बेटा एक बात जहन में रखें कि मशीनरी के केस में जैसे जैसे चीज़ें सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं तो चीज़ों का साइज़ छोटा होता जाता है ठीक है तो इतनी बड़ी क्लॉक जो थी वो ये उसमें क्या था कि वो अलज़ारी की एक्सपर्टीज़ एक्सपर्टीज़ कहते हैं महारत को क्योंकि ये शुरू का दौर था बिल्कुल नई नई घड़ियाँ बननी शुरू हुई थी इससे पहले घड़ियाँ एसच नहीं हुआ करती थीं तो शुरू में बहुत बड़े साइज़ की थी अब ये आप देख लो कि ये एक बहुत बड़े हाथी के स्टैचू के ऊपर रखी जाती थी ये घड़ी इतनी बड़ी घड़ी थी मतलब अगर हमारे घरों में ये घड़ी होती तो हमें उसके लिए बाकायदा पूरी अलमारी जितनी जगह खाली करनी पड़ती हाँ मतलब काफ़ी सारी चार पाँच फुट की जगह खाली करनी पड़ती और ऊंचाई में भी काफ़ी ऊंची होती दिस ह्यूज क्लॉक रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स का मतलब है जाहिर करना हाइट ऑफ एक्सपर्टीज अलज़ारी की महारत कल जजारी की महारत जाहिर करती है इन मकैनिक्स मकैनिक्स में सच अ क्लॉक बिफोर इस तरह की घड़ी पहले कभी भी नहीं बनाई गई थी और ये पहली दफा थी कि इस तरह की घड़ी बनाई जा रही थी वन ऑफ इट्स मॉडल्स वॉज इलेवन फीट हाई एंड इट शोड द रेवोल्यूशन ऑफ द सन इनमें से एक का मॉडल जो था वो ग्यारह फुट ऊंचा था और उसमें से सूरज की गर्दिश रेवोल्यूशन क्या है बच्चों गर्दिश उसमें सूरज की गर्दिश नज़र आती थी चाँद की और सितारों की भी मतलब दिन के टाइम उसमें सूरज की गर्दिश नज़र आती थी और शाम के टाइम उसमें चाँद और सितारों की गर्दिश भी नज़र आती थी और यही तरीका था उसमें वक्त बताने का ऑन द टॉप ऑफ द क्लॉक वॉज अ रॉड विच मूव्ड लाइक द हैंड्स ऑफ द वॉच उस क्लॉक के ऊपर टॉप पर एक रॉड थी जो कि घड़ी के हाथों की तरह मूव करती थी हैंड्स ऑफ द वॉच घड़ी की सुइयों की तरह इंग्लिश में हम जब घड़ी की सुइयां कहना हो तो हम हैंड्स ऑफ द वॉच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ठीक है हम घड़ी की सुइयों के लिए आमतौर पर नीडल्स नहीं यूज़ करते हैंड्स ऑफ द वॉच का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अच्छा जी इसके बाद ये है कि द डोर ऑफ द क्लॉक द डोर ऑफ द क्लॉक वॉज द डोर ऑफ द क्लॉक ओपन आफ्टर एवरी आवर एंड दस टाइम वॉज मजर जो घड़ी थी उसका दरवाज़ा हर थोड़ी देर बाद खुलता था और उसी के जरिए टाइम मजर किया जाता था टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था द क्लॉक वॉज ऑपरेटेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर जो घड़ी थी वो चलती किस तरह थी पानी की ताकत से चलती थी द क्लॉक वॉज ऑपरेटेड वो फंक्शन किस तरह करती थी पानी की ताकत से फंक्शन करती थी इट वॉज़ केप्ट ऑन द स्टैचू ऑफ़ एन एलिफेंट वो किस चीज़ पर रखी गई थी वो एक हाथी के स्टैचू पर स्टैचू होता है बुद्ध यानी असल का हाथी नहीं था जाहिर है और हाथी का एक बड़ा सा बुत बनाया गया था और उसके ऊपर वो घड़ी रखी गई थी दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड द एलिफेंट क्लॉक और इसी वजह से उसे एलिफेंट क्लॉक कहा जाता था कैंडल क्लॉक दिस क्लॉक वॉज रन विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल ये घड़ी एक मोमबत्ती की मदद से चलती थी अ कैंडल ऑफ सर्ट वेट वॉज अ डिश एंड स्पीड ऑफ इट्स मेल्टिंग वॉज मैशर्ड एक मखसूस वजन की मोमबत्ती एक डिश में रखी गई थी और जिस रफ्तार से वो पिघलती थी उसको नापा जाता था सर्टेन वेट मखसूस वजन डिश में रखी जाती थी और उसकी मेल्टिंग कहते हैं पिघलने को बाकी मजर्ड आपको मालूम है कि नापा जाता था द डिश वॉज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग विच वॉज कॉर्ड वो जो डिश थी वो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई थी और वो आगे से स्प्रिंग फिर एक रस्सी के साथ बंधा हुआ था एज द कैंडल मेल्टेड द डिश मूव्ड अपवर्ड्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम वॉज मेजर्ड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती जाती थी तो वो डिश ऑटोमेटिकली ऊपर को उठती जाती थी और उसके ऊपर उठने से वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था अच्छा बच्चों ये अब वो दौर है ना कि जिसमें ना तो सेल मौजूद हैं और ना ही अभी बिजली इजाद हुई है इसी तरह की मकैनिकल चीज़ों के ज़रिए कहीं पर मोमबत्ती के पिघलने से वक़्त का अंदाज़ा लगता है कहीं पे सूरज की रेवोल्यूशन सूरज के घूमने से उसकी पोजीशन से अंदाज़ा लगता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये था कि ये बुनियाद बने और आहिस्ता आहिस्ता इनकी वजह से आगे चल के बाद में आने वाले साइंसदानों ने बहुत बेहतर चीज़ें फिर ईजाद कर ली इस पेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आ, मैं आपको मीनिंग्स दोबारा दोहरा देती हूँ ऑपरेटेड अमल करना वेरियस बहुत सारे हम पहली लाइन में हैं इस पेज की फर्स्ट लाइन पे अच्छा जी फिर उसके बाद है वेल well डिज़ाइन बहुत बेहतर खाका बहुत बेहतर ढांचा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है डिज़ाइन की जगह ढांचा या खाक का स्ट्रक्चर मतलब आपको समझ आ गया है इसके अलावा अगला है जी ओवरहेड टैंक तो वो इंसान के सर से ऊंचा टैंक ठीक है वेल कहते हैं कुएं को ठीक है ह्यूज क्लॉक बहुत बड़ी घड़ी ह्यूज कहते हैं बड़ी को रिफ्लेक्ट्स कहते हैं Uh, इससे नजर आना इससे जाहिर होना रिफ्लेक्ट होना ठीक है एक्सपर्टीज महारत uh, इसके अलावा जी रेवोल्यूशन ऑफ़ द सन रेवोल्यूशन ऑफ़ द सन का मतलब है सूरज की गर्दिश फिर वॉज अ रॉड रॉड आपको मालूम है किसको कहते हैं हैंड्स ऑफ द वॉच घड़ी की सुइयां, ठीक है मैय नापना स्टैचू ऑफ एन एलिफेंट स्टैचू कहते हैं बुद्ध को फिर उसके बाद आ गया नीचे कैंडल क्लॉक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज सच कोई नहीं है सर्टिन का मतलब है एक मखसूस uh, एक सर्टिन वेट जब हम इस्तेमाल हों तो उसका मतलब है एक मखसूस वज़न मतलब उस मोमबत्ती का वज़न नाप के रखा जाता था मेल्टिंग का मतलब है पिघलना कांस्टेंट मुसलसल अब आ जाए जी पेज नंबर सिक्सटी नाइन पर द फर्स्ट वाटर टैंक पेज सिक्सटी नाइन के बॉटम पे हैं हम नीचे वाले आधे पेज निचले हिस्से पे वाटर टैंक द फर्स्ट वाटर टैंक विद पाइप लाइन वॉज इन्वेंटेड बाई अल जज़ारी पहला वाटर टैंक पाइप लाइन के साथ देखें बच्चों ये वो दौर है जिसमें पानी घरों में घड़ों के जरिए या बाल्टियों के जरिए पहुंचाया जाता था और ऐसा नहीं था कि पाइप लाइन हो घरों में काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी थी उस वक़्त द वाटर टैंक ऑल्सो हैड अ टैप एंड वेल्व विच अलज़ारी हिम सेल्फ मैन्यूफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेथ मशीन वाटर टैंक ख़ुद अलजारी ने बनाया था और उसके आगे एक नलका और एक वेल्व भी था अब ये देखिए कि अब नया नया मेटल के साथ लोहे की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई है और अभी नलके का पाइप्स का कोई तस्वूर ऐसा नहीं था अलज़ारी वॉज द फर्स्ट वन हु मेड दीज पाइप्स एंड दीज वेल्वस पहली दफ़ा उन्होंने लैथ मशीन कहते हैं बेटा जो लोहे को लोहे में चूड़ियाँ बनाना या अभी भी प्लम्बर जो होते हैं उनके पास ही मशीन होती है उसमें आगे पाइप बनाना पाइप के साथ फिर आगे नलके का नलका फिट करना ये सारी चीज़ें उनके जोड़ बनाना इन सब कामों के लिए लैथ मशीन यूज़ होती है और लोहे को या जो भी मेटल इस्तेमाल किया जाता है उसको पिघला भी सकती है और उससे मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई जा सकती हैं बनाया, मैन्यूफेक्चर्ड ओनली अवेलेबल बुक डिटेल्ड एलस्ट्रेशन ऑफ हिज़ वेरियस इन्वेन्शंस अलज़ारी की जो एक एक ही किताब उनकी अवेलेबल है मतलब ऐसा होता है कि बज़ दफ़ा लोगों ने काम तो बहुत किया होता है लेकिन उनका वो काम ज़ाया हो जाता है या लिखी हुई शक्ल में नहीं होता तो अलज़ारी के केस में एक किताब अवेलेबल है और उसमें बहुत डिटेल्ड एलस्ट्रेशन हैं इलस्ट्रेशन कहते हैं आजकल जिस चीज़ को आप लोग डायग्राम कहते हैं साइंस की जो साइंस के काम के साथ एक तस्वीरी शक्ल दी होती है जैसे अगर आपको सेल पढ़ाया जा रहा है तो सेल की डायग्राम बनी है अगर आपको पुल्ली पढ़ाई जा रही है तो पुल्ली की डायग्राम बनी है उस डायग्राम की मदद से ज़्यादा बेहतर समझ आ जाता है उसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं इन्वेन्शंस इजादा मैनी मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर प्रिवियसली अन सच एज द ब्लड डोनेशन मशीन बहुत सारी मशीने और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आलात इंस्ट्रोमेंट्स होते हैं आलात प्रिवियसली पहले पिछले दौर में अन नोन मालूम ना होना जिस तरह से ब्लड डोनेशन मशीन ब्लड डोनेशन का भी उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कोई सरेंज कोई ऐसी चीज़ों का बहुत आम कॉन्सेप्ट नहीं था ये शुरू शुरू का दौर है कि जब लोग इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे भी, थे भी। ओके अ पीकॉक शेप्ड फाउंटेन उसकी शक्ल का मोर की शक्ल का फवारा अगर आप गौर से किसी फवारे को नोट करें तो उसमें पानी यूँ नीचे से निकल के ऊपर फैल रहा होता है जिस तरह से मोर के पार फैल रहे होते हैं तो इसलिए उसे पी शेप्ड फाउंटेन पी मोर की शक्ल का फवारा द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खुदकार वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ख़ुदकार वॉशिंग मशीन ये सब चीज़ें अलज़ारी ने ही आ, पहली पहली दफ़ा इस्तेमाल की और लोगों को उनका इस्तेमाल सिखाया अलज़ारी एंड यूरोप यूरोपियन साइंट यूज़ अलजारी मशीन सचैज द मॉडर्न हाइड्रोलिक पम्प ऑटोमेटिक लॉक्स ओवर हेड वाटर टैंक्स एंड वेल्ब यूरोप के सांसदानों ने अलजारी की ड्राॅइंग और उनकी मयरमेंट्स um, यानी उनके जो भी पैमाइश थी उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने के बाद किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया हाइड्रोलिक पंप ईजाद करने में मॉडर्न हाइड्रोलिक पंप जो आजकल हमारे कुओं में लगे होते हैं हमारे घरों में पानी उन्हीं के ज़रिए वाटर टैंक्स तक पहुंचाया जाता है ऑटोमेटिक लॉक्स ख़ुदकार ताले ओवरहेड टैंक्स ये आपको बता दिया कि उन छत की ऊंचाई के टैंक जो होते हैं और वेल्व जो मुख्तलि आगे नलके और मुख्तलि वेल्व लगाए जाते हैं आ, पानी के फ्लो को रोकने के लिए ऑल्डो द प्रमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द वैल्व एंड रेगुलेटर व डिवेलप्ड इन एनशेंट ईजिप्ट एंड ग्रीस अल जजारी गेव दैम अ बेटर शेप अगरचे के जो प्रमिटिव स्ट्रक्चर था प्रव का मतलब है आ, कदीम स्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा वेल्व का और रेगुलेटर का रेगुलेटर का मतलब है कि आगे जो हम नलका लगाते हैं कि पानी थोड़ा आए ज़्यादा आए उसको रेगुलेट करना वो कदीम एंशंट का मतलब है कदीम एनशंट ए एन सी आई ई एन टी एनशेंट का मतलब है कदीम ईजिप्ट मिसर ईजिप्ट कहते हैं बेटा मिसर को मीम स्वाद रे मिसर और ग्रीस ग्रीस आपको मैंने बताया यूनान अलज़ारी ने अगरचे कि ये कदीम मिस्र और ग्रीस में ये चीज़ें जो वेल्व था और उसके आगे नलका था ये उन्होंने बुनियादी ढांचा वहाँ पर बनाया था लेकिन अलज़ारी ने उनको बेहतर बनाया अच्छा जी अब इस पेज पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं एक दफ़ा दोहराती हूँ ज़रा गौर से सुन लें बच्चों और उनकी प्रोनंसिएशन भी सुन लें इन्वेंटेड ईजाद किया सेकेंड लाइन में है वाटर टैंक के नीचे सेकेंड लाइन में मैन्युफैक्चर्ड बनाया उससे पहले एक टैप वो मेरा ख्याल है आपको मालूम भी होगा टी ए पी टैप फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है विच नल का लैथ मशीन मैंने आपको बता दिया कि ऐसी मशीन जो पाइप बनाने पाइप पर आगे नलके फिट करने उनको मुख्तलिफ शक्लों में मोड़ने के काम आती है एलस्ट्रेशन्स तस्वीरें जिनके ज़रिए पढ़ाया जाता है एलस्ट्रेशन क्या कोई चीज़ समझाई जाती है ठीक है कोई चीज़ बयान की जाती है उसको एलस्ट्रेशन कहते हैं वेरियस बहुत सारी इन्वेन्शंस इजाद इंस्ट्रूमेंट्स आलात आले आला की जमा जम आला मेला, आला उसकी जमा है आलात प्रीवियसली पहले से जो पहले से जान अननोन नहीं जानते थे मतलब जो चीज़ें पहले से नहीं जानते थे वो भी इसने इन्होंने बनाई थी डोनेशन अतिया करना ब्लड डोनेशन डोनेशन का लफ्ज़ी मतलब है अतिया करना अता करना किसी को मुफ्त में देना ठीक है पीकॉक मोर को कहते हैं फाउंटेन फवारा ऑटोमेटिक खुदकार खुद से चलने वाली अब आज जी अलज़ारी एंड यूरोप इसमें मुश्किल लफ्स हैं प्रमेटिव कदीम पुराना कदीम तो नहीं होगा प्रमेटिव का मतलब होता है बुनियादी मतलब प्रमेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हर ईजाद बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती है तो पहली स्टेज पे वो कैसे बना फिर दूसरी स्टेज पे वो कैसा था तीसरी चौथी पांचवी प्रिमेटिव का एंटोनिम होता है मॉडर्न प्रमेटिव का मतलब है पुराना बुनियादी और मॉडर्न है नया जदीद ठीक है स्ट्रक्चर ढांचा फिर आगे आ गया एनशेंट एंशेंट इसमें श की आवाज़ देनी है आपने सी नहीं पढ़ना है इसको एनशेंट 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 का मतलब होता है कदीम इजिप्ट मिसर ग्रीस यूनान ईजिप्ट कहते हैं मिस्र को अभी भी मौजूद है मिस्र का मुल्क ग्रीस यू, यूनान मेरा ख्याल है सारे मुश्किल लफ्ज़ इसमें हो गए हैं और होपफुली आप हमारे साथ हैं और आपने सारे मुश्किल लफ्ज़ लिख लिए हैं नाउ कमिंग टू रोबोटिक्स अलजारी वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट रोबोट्स इन दिस्ट्री अलज़ारी वो पहले थे जिन्होंने रोबोट्स के बारे में काम किया अब ये काफ़ी हैरान कन बात है कि इतना मतलब रोबोट्स तो अभी अभी हमने ट्वेंटियथ सेंचुरी के आखिर में बिल्कुल हमारे इल्म में आना शुरू हुआ नाइनटीन में 1980s के आगे पीछे और अलज़ारी ने इतने 800-900 साल पहले इन चीज़ों पर काम शुरू कर दिया था

इट इज़ बिकॉज ऑफ़ दिस इन्वेंशन अलजारी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रोबोटिक्स इस ईजाद की वजह से अलजारी को फादर ऑफ़ रोबोटिक्स यानी रोबोट्स um, uh, बनाने वाला पहला बंदा जो थे पहले जो थे वो कहा जाता है अलजारी ऑल्सो मेड एन एक्सपेरिमेंट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर पाइपलाइन द स्लेंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलजारी आल्सो इस बात पर भी तजर्बे किए कि किसी एक जगह का टेम्परेचर तब्दील किया जा सके गर्म और ठंडे पानी के पाइप्स की मदद से ताकि जो एयर जो हवा का मौसम है वहाँ पर अगर बहुत गर्मी है तो वहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम लाया जा सके ठंडा टेम्परेचर कम किया जा सके और अगर बहुत सर्दी है तो उसको थोड़ा गर्म किया जा सके और ये क्या था कि ये बुनियाद रखी थी लेंग डाउन रखना फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आपको पता है कि आजकल कल ए सी का सिस्टम है तो बहरहाल ये दो बड़ी इन्वेंशनस और थी अलज़ारी की एक रोबोट्स आप सोच रहे होंगे कि रोबोट्स अगर उसको खतीजात भी हुए थे तो वो चलते कैसे थे तो बेटा शायद बचपन में आप भी चाबी वाले खिलौने के साथ खेले होंगे तो जब सेल या बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं था तो तब चाबी वाली चीज़ें चला करती थी घड़ियां भी चाबी वाली हुआ करती थी जिसमें इंसान यूँ चाबी घुमा देते थे और फिर उसके बाद वो घड़ी खुद ब खुद चलती रहती थी तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट अलज़ज़ारी ने भी दिया था अलज़ारी बुक्स अलजारी इज़ बिलीव्ड To have written many books, but only one book is available. ये यकीन किया जाता है कि अलज़ारी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं लेकिन उनमें से सिर्फ़ एक हमें आ, हमारे पास मौजूद है किताब फ़ी मारफ़ातुल अल हिंदसिया, ठीक है मार्फा तो हयाल अलसिया उस किताब का नाम अरबी में है जाहिर है और मतलब क्या है द नॉलेज ऑफ फिगरेटिव मैथर्ड ठीक है फिगरेटिव मैथड uh, किताब फिगरेटिव का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे मुख्तलफ़ मैथमेटिकल फ़िगर्स भी हैं और मैथमेटिकल फ़िगर्स के ज़रिए उनकी मेजरमेंट्स उनको कैसे कोई मशीन बनानी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है वो सब चीज़ें भी तफसल से हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी चैप्टर्स एंड इस डिवाइड इंटू सिक्स वॉलीम्स इसके पचास बाब हैं और छः वॉल्यूम में ये तकसीम हुई हुई है अलज़ारी हैज मैंशन ऑलमोस्ट ऑल हिज इन्वेंशन इन दिस बुक अलजारी ने अपनी तकरीबन तमाम इजादात इस किताब में आ, लिखी हैं मैंशनड लिखी हैं इन्वेंशन इजादात। द ट्रांसलेशन ऑफ द बुक वॉज मेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाई डोनल्ड हिल इन नाइनटीन सेवेंटी फ़ोर अलजारी की किताब का इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है और वो डोनल्ड हिल ने किया एक अंग्रेज़ साइंसदान ने नाइनटीन 1974 फ़ोर में दिस ट्रांसलेशन वॉज बेस्ड ऑन द औरिजनल मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड इन बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड इन दिटी ऑफ लंडन और ये तर्जुमा औरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं बेटा उर्दू में शायद आपने एक लफ्ज़ सुना हो मुसविदा मुसविदा क्या होता है मुसविदा ये होता है कि जब भी कोई लिखने वाला किताब लिखता है अब तो कंप्यूटर का दौर है और तकरीबन हर एक के पास ही कंप्यूटर मौजूद होता है तो वो कंप्यूटर पर ही लिख लेते हैं ज़्यादातर लेकिन पहले दौर में ये होता था कि हाथ से लिखे जाते थे कलम से लिखे जाते थे बल्कि बाज़ रैटर तो डिक्टेट करवाते थे वो बोलते जाते थे और लिखने वाला एक बंदा होता था और वो लिखता जाता था ठीक है तो वो जो पहला मुसवदा पहली किताब जो हाथ से लिखी होती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे ठीक है तो ये मुसविदा उर्दू में उसके लिए एक लफ्ज़ है तफसील मैंने आपको समझा दी कि जो नावल है कोई पोइट्री की किताब है कोई कुरान मजीद की तफसीर है हदीस की किताब है वो सब कुछ हाथ से लिखा जाता था तो पहली दफ़ा जो किताब लिखी जाती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं प्रोनंसिएशन सीख लीजिए मैन्य मुसविदा और ये बॉडलियन लाइब्रेरी में ऑक्सफोर्ड में जो कि लंदन का एक शहर है वहाँ पर अलज़ारी की ओरिजिनल किताब मौजूद थी और वहां से डोनाल्ड हिल ने ली और उनका अंग्रेजी में तर्जुमा किया इस तरह की चीज़ों को देखकर ही शायद इकबाल ने कहा था कि किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा कि मतलब इकबाल जब लामा इकबाल जब लंदन गए इंग्लैंड गए और वहाँ की लाइब्रेरीज़ में अच्छी तरह उन्होंने किताबों को देखा तो वहाँ पर उनको ये पता चला कि बहुत सारे मुसलमान साइंसदानों की किताबें वहाँ मौजूद हैं और मुसलमान उससे बेख़बर हैं ठीक है तो ये एक एक तरह से हमारे मुसलमानों के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात है इस सेंस में कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने जो इजादात की थी उनकी हमने कदर नहीं की हमने वो किताबें नहीं पढ़ी और वो अंग्रेज़ वहाँ पे लंदन की लाइब्रेरी में ले गए और वहाँ उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और इतनी तरक्की की तो ये अलज़ारी भी उन लोगों में से हैं जिनकी किताबें लंदन की लाइब्रेरी uh, में मौजूद हैं अब इस इस पेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ ओके okay, ऊपर से शुरू करते हैं तो परफॉर्मिंग कोई काम करना किसी चीज़ पर अमल करना ठीक है फिर उसके बाद कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज नहीं है इसमें रोबोटिक्स uh, वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है लेइंग फाउंडेशन लेइंग फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद डालना, लेंग डाउन बुनियाद डालना फाउंडेशन बुनियाद को कहते हैं ठीक है फिर यहाँ पर भी सच कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज लग रहा है तो बता दें इन्वेंशंस, ई ईजादात मैंशनड किया मिडल ऑफ द पैराग्राफ जो है अलजारीज बुक्स वाले पैराग्राफ के मिडल में अल हैज मेंशनड लफ्ज आया है मेंशनड का मतलब है जिक्र करना मैन्युस्क्रिप्ट मसौदा जी अब ये है जी पेज नंबर सेवेंटी द फेमस यूएस मैगजीन टाइम डिक्लेयर्ड अल जजारी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग इन अ स्पेशल एडिशन एक मशहूर मैगजीन है टाइम आपने उसका नाम सुना होगा मैगजीन का नाम ही टाइम है टी आई एम ई उन्होंने अलज़ारी को फाउंडर ऑफ़ मॉडर्न एजु इंजीनियरिंग का टाइटल दिया एक स्पेशल एडिशन में ठीक है और आप ये देख सकते हो कि सारे जो तस्वीरें हैं बनी हुई हैं उसमें टर्बन वाले लोग हैं और बीच में ज़मीन का बड़ा सा ग्लोब है और वो उस गिर्द गिर्द मुख्तफ बात कर रहे हैं और मुख्तलि डिस्कशनस हो रही हैं तो एक तरह से इनके लम्बे लम्बे चौखे और इनके सर पेबंदी टर्बन वो सब बता रही है कि ये मुसलमान साइंसदान हैं जी बच्चों ये एक्सरसाइज़ है और ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में करेंगे यहाँ पर हम अपनी क्लास अब ख़त्म करेंगे आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बताइए चैप्टर रीडिंग पूरी हो गई साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी करवा दी इफ़ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ एनीथिंग प्लीज लेट मी नो आई वेट फॉर टाइम और बेसिकली ये चैप्टर जो था वो अलज़ारी के एक इंट्रोडक्शन था जो हमारे एक अजीम साइंसदान गुजरे हैं उनकी अहम इजादात के बारे में आपको बताया कि किस तरह हाइड्रोलिक पंप्स, डोंकी पंप्स, एलिफेंट क्लॉक फिर उसके बाद कैंडल क्लॉक ठीक है ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बनाई थी इनकी बुनियाद इन्होंने डाली थी और वी आर रियली थैंकफुल टू देम क्योंकि ये बनाने की वजह से आज हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी तरह समझ आ गई है और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं। तो फिर वी विल फिनिश द क्लास हियर और इसके वर्ड्स मीनिंग्स अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ में लिखिए एक दफ़ा इसकी रीडिंग ज़रूर करें और अगर किसी लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन में आपको शक हो तो आप वीडियो को दोबारा सुन के उसकी प्रोनंसिएशन चेक कर सकते हैं वर्ड को पढ़ना भी सीखिए और वर्ड का मीनिंग भी सीखिए तो ठीक है बच्चों अपना ख्याल रखिएगा अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिएगा फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के बारे में आपको हम बता देंगे फिर हम